ओम शांति। 8 फरवरी 2023। शिव बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाया है। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। प्रश्न, दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी? उत्तर, जिनके पास ज्ञान की पूंजी है, जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं, वही दूसरों को फलक से समझा सकते हैं। तुम्हें फलक से सबको बाप का परिचय दे, उनसे वर्षा लेने की विधि बतानी है। आज का गीत, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। वास्तव में ये गीत गाने की जरूरत नहीं है, परंतु बहलाने के लिए यह आवाज करना पड़ता है। वास्तव में आत्मा को आवाज करने की दरकार नहीं। आत्मा तो आवाज से परे निर्वाण धाम जाने चाहती है। बहुत बाजे गाजे तालियां आदि सुनकर आत्मा थकी हुई है, इसलिए अब बाप को याद करती है। हे भगवान, मुझे ले जाओ। बच्चे जानते हैं, ये बाप हमको समझा रहे हैं। जैसे घर में बाप और दादा दोनों बच्चे बच्चे कहते हैं, दादा ऐसे नहीं कहेंगे कि पोतरे इधर आओ, दोनों ही कहेंगे बच्चे इधर आओ। यहाँ तो बाप और दादा साकार और निराकार दोनों इकट्ठे हैं। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र का यह बाप और दादा है। तो जरूर परमपिता परमात्मा को सृष्टि रचने आना पड़े। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। आबू में भी अधर देवी और कुमारी कन्या के मंदिर हैं, तो एक कन्या तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होंगे। दोनों का अलग अलग मंदिर है। अधर कुमारी किसको कहा जाता है, कुमारी कन्या किसको कहा जाता है, ये तो तुम ही जानते हो। ये है शिव शक्तियां। अंदर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, बहुत कोठरियां हैं, तो मंदिर भी साक्षी देता है कि कुमारियां और अधर कुमारियां बहुत हैं। चित्र जो बनाते हैं वे भी यादगार हैं, जो होकर गए हैं, जैसे देवी देवताओं के चित्र हैं, जरूर होकर गए हैं। वे विश्व के मालिक थे, अब नहीं हैं। विश्व के रचता ने ही भारत को विश्व का मालिक बनाया। कैसे? सो अब प्रैक्टिकल बन रहे हैं। अभी कलयुग है, सत्युग में है एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। कलयुग में अनेक धर्म और अनेक प्रजा का राज्य है। तुम बच्चे जब सुनते हो तो समझते हो, बाबा यथार्थ रीति ठीक समझाते हैं, परंतु कोई कारणवश हमको धारणा नहीं होती है, इसलिए औरों को भी धारणा नहीं करा सकते हैं। कोई ना कोई विघ्न है, हम डल स्टूडेंट हैं। बाकी बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अनेक मनुष्य अनेक धर्म हैं। 5,000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, बहुत थोड़े मनुष्य थे, सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। वे आत्माएं परम धाम से आई थी अपना पाठ बजाने। बाकी सभी धर्मों की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। अभी अनेक धर्म हैं, बाकी देवी देवता धर्म प्रायलोप है, तो जरूर फिर सत्युग बनेगा। परमपिता परमात्मा को ही आकर स्वर्ग रचना पड़े। भक्त जो भगवान को याद करते हैं, तो उन्हों को भक्ति का फल देने के लिए भी यहाँ आना पड़ेगा। बाकी सबको वापस मुक्ति धाम ले जाना होता है, और तो कोई वापस ले जा नहीं सकता। अगर एक भी गुरु गति सदगति का रास्ता जानता होता, तो फिर उनके पिछाड़ी लाखों शिष्य भी जाते। उन यात्राओं में तो जाकर फिर लौट आते हैं, परंतु मुक्ति धाम से फिर वापस आए ही क्यों? एक को रास्ता मिले तो सबको ले जाएं। अब एक बाप आया है तो तुम सबको रास्ता मिलता है ना? सभी को दुख की दुनिया से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहते हैं। उस निराकार को आने लिए शरीर चाहिए,
तो नई दुनिया को रचने लिए प्रजापिता भी चाहिए। रचना यहाँ रचनी है तो ब्रह्मा भी यहाँ का मनुष्य चाहिए। सूक्ष्म वतन से उतर नीचे तो नहीं आएगा। कहते भी हैं अभी ब्रह्मा की रात है तो ब्रह्मा मुख वंशावली की भी रात है। अब अंत में बाप आए हैं दिन करने। ब्रह्मा की रात पूरी होती है तो बीके की रात भी पूरी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो ठीक है, वास्तव में सभी मनुष्य आत्माओं का बाप परमात्मा को कहा जाता है। सभी उनको गॉड फादर, परम पिता, परमात्मा कहते हैं। सेंसिबल मनुष्य जब गॉड फादर कहते हैं तो कोई मनुष्य को याद नहीं करते। कोई तो कहते हैं वह ज्योति स्वरूप है, ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो ब्रह्म नहीं कहेंगे। तो पहले पहले परिचय देना है अपना कि हम बीके हैं। ब्रह्मा को भी परम पिता परमात्मा रचते हैं, फिर ब्रह्मा मुख से ब्राह्मणों को रचा। प्रजापिता है तो जरूर बहुत संतान होंगी। इस रीति सिजरा बढ़ता जाता है। ब्राह्मणों का वर्ण बदल सत्यों की देवता बनते हैं, क्योंकि बाप बैठ ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जानने से सब कुछ जान जाते हो, बाकी कुछ जानने के लिए नहीं रहता। इतना बड़ा इम्तिहान पास कर लेते हो, अर्थात मास्टर जानी जाननहार बन गए। गॉडली स्टूडेंट सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। देवताएं, वैश्य, शूद्र, कोई भी गॉडली स्टूडेंट नहीं होते हैं। भगवान उवाच होता ही ब्राह्मणों प्रति है। अगर कृष्ण भगवान उवाच हो तो भी किन्हों प्रति जरूर ब्राह्मण चाहिए। तो प्रजापिता द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ भी ब्रह्मा ही रचते हैं। कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो कभी नहीं कहते। तो पहले पहले समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा है, जो ही ज्ञान सागर है। वही हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। फिर इसमें कोई उल्टा सुल्टा प्रश्न उठाने की दरकार ही नहीं। इतने ढेर बीके हैं, कोई एक दो नहीं है। पहले पहले पढ़ाना ही अल्फ है। अल्फ बिगर मनुष्य कुछ भी जान नहीं सकते। उन्हों को समझाना चाहिए कि परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रच रहे हैं। अकेला ब्रह्मा तो रचता नहीं है। ये पॉइंट्स धारण करने की हैं। बाबा के पास ज्ञान है तो तुमको डिलीवरी करते हैं। तुम हो ज्ञान गंगाएं, सागर तो एक ही है। यह ब्रह्मा भी ज्ञान कंठ करते हैं तो यह भी ज्ञान गंगा हुई। ज्ञान कंठ करने वाले को ज्ञान गंगा कहा जाता है। उसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। यहाँ देखो पानी के सागर को तो टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। सतयुग में जब एक ही सूर्यवंशी राजाई थी तो सागर के टुकड़े नहीं थे। कहाँ भी जाकर सैर कर आते थे, वहां कोई कह ना सके कि मेरी हद में न आओ अथवा पानी ना लो। यहाँ तो एक दो का पानी ही बंद कर देते हैं। कितने टुकड़े हो गए हैं। अब हम एक ही सचखंड स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप का भी विचार सागर मंथन होता है, तब तो समझाते हैं। ब्रह्मा भी कहेंगे सभी जीवात्माएं हमारे बच्चे हैं। आदि देव अथवा आदम सभी का बाप है। ऐसे नहीं उस समय कोई मनुष्य नहीं थे, फिर आदम ने आदमी पैदा किए। नहीं, निराकार बाप को पहले जरूर आदम में आना पड़े, तब तो मुख वंशावली रचे। बाकी ऐसे नहीं कोई मुख से निकल आए वह नासिका या पवन से पैदा हुए। ये सब है भक्ति की बातें। मनुष्य तो कच्छ मच्छ को भी पूछते रहते हैं। तो पहली पहली बात है कि आत्माओं का बाप कौन है। वह जरूर स्वर्ग रचता होगा। अब तो नर्क है, अभी हम स्वर्ग के लिए राजयोग सीख रहे हैं परम पिता परमात्मा द्वारा। ब्रह्मा भी उन द्वारा पढ़ रहे हैं।
परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं का बाप है, ब्रह्मा जीव आत्माओं का बाप है, हम उनकी मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। हमको ज्ञान फिर भी ज्ञान सागर बाप ही देते हैं। हम श्रीमत पर चलते हैं, वह तो नामी ग्रामी है, ब्रह्मा की मत मशहूर है। ऐसे कभी नहीं कहा जाता कि विष्णु भी उतर आए तो भी तुम नहीं मानेंगे, ये ब्रह्मा के लिए ही कहा जाता है, उनको ज्ञान देता है शिव। तुम भी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हो। बाप समझाते हैं कि मैं आकर देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। ये जो आर्य समाजी इतनी खिटपिट करते हैं, उनको बोलो तुम देवताओं को तो मानते नहीं हो, उनको खंडन करने वाले हो। हम हैं देवी देवता धर्म के, तुम्हारा धर्म अलग, देवी देवता धर्म अलग है। हर एक को फ्रीडम है अपने धर्म में कुछ भी करे। मुसलमानों का धर्म अलग है, वे बहुत डिबेट करते हैं कि तुम ऐसे क्यों करते हो। वैसे हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसका ही प्रचार करते हैं। तुम इंटरफियर क्यों करते हो? उन्हों को भी युक्ति से समझाना है, उनसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं, उससे वे समझेंगे नहीं। जो भी कोई आए तो बाप का परिचय दो। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुमको भी लेना हो तो आओ। बाप अमर लोक स्थापन कर रहा है, इसलिए तुमको पावन जरूर बनना पड़े। बाप कहते हैं इस रावण पर जीत जरूर पानी है। हम शक्ति सेना जीत पा रही हैं। हमारा उस्ताद कैसे हमको जीत पाना सिखला रहे हैं। सो आओ तो हम तुमको समझाएं। अगर तुमको जीत पानी है तो तुम भी शक्ति दल में शामिल हो जाओ। बाकी फालतू बातें मत करो, परंतु ये फलक से कह वही सकेंगे जिनके पास ज्ञान की पूंजी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकले थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान को कंठ कर मास्टर ज्ञान सागर अथवा ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, हर एक को बहुत युक्ति से समझाना है, किसी से भी डिस्कस नहीं करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। वरदान प्योरिटी के पर्सनैलिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। स्पष्टीकरण, जैसे शरीर की पर्सनैलिटी आत्माओं को देहभान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करती है। प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। इसी रॉयल्टी अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनैलिटी द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। स्लोगन, हर एक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला, अपना ये जो ईश्वरीय सत्संग है, कॉमन सत्संग नहीं है, ये है ईश्वरीय स्कूल कॉलेज, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहां सुना, फिर तो जैसा है वैसा ही बन जाता, क्योंकि वहां कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती है जहां से कोई प्रारब्ध बने। इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है, अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है जहां परमात्मा बैठ हमें पढ़ाता है और हम उस पढ़ाई को पूरी धारण कर ऊंच पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाई डिग्री देता है,
वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए, सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं, इसलिए इस स्कूल में ज्वाइंट होना जरूरी है। यहाँ आने वाले को यह नॉलेज समझना जरूर है, यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी। हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है, तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं, उन्हों को क्या पता आगे का कोर्स क्या चला, इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है। इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। दूसरा पॉइंट, भगवान उवाच बच्चों के प्रति, बच्चे जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है, लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन कहाँ जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में ये संकल्प नहीं चाहिए कि मैं छोड़ दूँ, वह संशय नहीं होना चाहिए, पता नहीं हम पार करेंगे वा नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को न पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं, हमको कोई की भी परवाह नहीं है। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा, फिर तो मानो कि गिरा की गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। अब यह भी जरूरी है, जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी, जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखलाएगी, परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है आखरीन भी परमात्मा महान बलवान है, आखरीन उनकी जीत है। श्वासोश्वास इस विश्वास में स्थित होना है, माया को अपनी बलवानी दिखलानी है, वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी भी कमजोर बना तो खलास हुआ, इसलिए भल माया अपना फोर्स दिखलाए परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए, अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। इसलिए परमात्मा कहते हैं, बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते तुम्हें भी समर्थ अवश्य बनना है। समझा बच्चे? अच्छा, ओम शांति।